हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हो गया 21 दिसंबर 2018 शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत 35 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। सभी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की है। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो सरकारी बैंकों में 41,000 करोड़ डालेगी मोदी सरकार, इस रकम से होगा ये काम। जी हाँ, पीएम मोदी गवर्नमेंट सरकार देश के सभी सरकारी बैंकों को 41,000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त पूंजी देने जा रही है। वित्त वर्ष 2019 के लिए 85,948 करोड़ अतिरिक्त रकम की मांग की गई है और इस राशि में राज्यों की सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ होंगे। इसके अलावा भी और अलग अलग करोड़ रुपए में बजट होगा, जो आप यहां देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई तो अब लाइसेंस हमेशा के लिए हो जाएगा रद्द। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में कहीं पर भी जब ट्रैफिक जाम हो जाता था, बहुत से लोग ऐसे होते जो अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड से निकाल कर ले जाते हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती है जिसमें अब तक बहुत से लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए अब गुजरात सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर गुजरात पूरे स्टेट में कोई भी ड्राइवर 2 बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और वो कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए ना। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, अब पैसों के दम पर नहीं खरीदी जा सकेगी कोक। लोकसभा में पास हुआ सरोगेसी विधेयक। जी हाँ, बुधवार को लोकसभा में सरोगेसी यानी कि नियामक विधेयक 2016 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत सरोगेसी यानी कि किराए की कोक से जुड़े नियमन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ व्यवसाय के तौर पर हो रही सरोगेसी को अब से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद भारत में केवल जरूरतमंद निसंतान दंपतियों को ही सरोगेसी का लाभ मिल सकेगा। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब ग्राहकों को धोखा नहीं दे पाएंगी कंपनियां। झूठे प्रचार पर होगी 2 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। जी हाँ, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आज मींस यस्टरडे लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया और इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और अपराध दोहराए जाने की स्थिति में जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तक और कैद की अवधि 5 साल तक हो जाएगी। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 32 साल बाद इस उपभोक्ता संरक्षण कानून में कोई बदलाव किया गया है, जो कि वाकई में बहुत अच्छा है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, पेटीएम से बुकिंग पर नहीं लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज। जी हाँ, ट्रेन पैसेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप टिकट बुक करने के बाद डिजिटल माध्यम से भुगतान करने के बाद लगने वाले ट्रांजेक्शन चार्ज से परेशान है तो फिर अब आपको बड़ी राहत मिलेगी। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने टिकट की बुकिंग पर लगने वाले सभी तरह के शुल्क यानी कि चार्जेस बिल्कुल माफ यानी कि फ्री कर दिए हैं और ये सुविधा पेटीएम के ऐप और वेबसाइट दोनों पर ही मिलेगी। पेटीएम ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब हमारे उपभोक्ता सेवा शुल्क, पेमेंट गेटवे शुल्क या किसी अन्य प्रकार का लेन देन शुल्क, पेमेंट गेटवे या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज दिए बिना ही ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीसीएल कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश में लगाएगी कारखाना, 6,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, टीसीएल कॉरपोरेशन कंपनी जो है वो टेलीविजन, मोबाइल फोन, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज समेत कई उपकरणों के निर्माण वाली फैक्ट्रियों या कारखाना जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में लगाने जा रही है। ऐसे में 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मात्र 2490 रुपए में घूम आई है वैष्णो देवी, जानिए क्या है ऑफर। जी हाँ, ये ऑफर भी भारतीय रेलवे की तरफ से ही है, लेकिन ये वो वाला नहीं जो मैंने आपको कल बताया। कल था वो ताजमहल घुमाने के लिए, जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से निकाला गया था, लेकिन आज यहाँ पर भारतीय रेलवे ने एक नया ऑफर निकाला जिसके तहत अगर आप वैष्णो देवी मंदिर घूमना चाहते हैं तो इसमें ट्रेवलिंग के अलग अलग ऑफर्स हैं और आप 2490 रुपए में इस रूट में आने वाले कई तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सावधान, आ सकता है दिल्ली में भूकंप, तबाह हो जाएगी 80% इमारतें। जी हाँ दोस्तों, एक बार तो इस खबर को देखकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि यार ये कैसा खतरा, 80% इमारतें ढह जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये जो खतरा निकल कर आ रहा है वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार निकल कर आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक ताजा स्टडी में सामने आया है कि राजधानी दिल्ली में भीषण भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र के निकट भविष्य में उच्च क्षमता वाले भूकंप की आशंका है और भूकंप की वजह हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक खिंचाव है। स्टडी के अनुसार अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के कई इलाकों में 8.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है और इतनी 8.5 वाली तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि राजधानी के सिर्फ 20% बिल्डिंग ही इसे झेल पाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रचंड भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गुड़गांव और आसपास के इलाकों को होगा और तबाही मच सकती है। ऐसे में दोस्तों हम तो यही दुआ करते हैं उस ऊपर वाले से, ईश्वर अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, जो कुछ भी कहो आप उससे, कि ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी हमारे देश में ना आए। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी का भी। आप चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रेलवे का बड़ा तोहफा, सीनियर सिटीजन के साथ अब इस वर्ग को भी मिलेगी किराए में छूट। जी हाँ, भारतीय रेलवे साल 2019 के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2019 से ही ट्रांसजेंडर्स यानी कि किन्नरों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है और ये तोहफा सीनियर सिटीजन, पुरुष, महिला की तरह ही ट्रांसजेंडर को रेल किराए के रूप में मिलेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग शैली श्रीवास्तव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और अब इनको भी ये सब तरह की छूटें मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, 2019 जीत कर इतिहास रचने की तैयारी में है मोदी सरकार, बनाए ये बड़े प्लान। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दोस्तों आप सभी को पता होगा विधानसभा चुनाव में हाल ही में बीजेपी की हार हुई है, 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके बाद मोदी सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि वाकई में 2019 के अंदर
लोकसभा चुनाव में अगर जीतना है तो पब्लिक के लिए कई सारी नई नई स्कीमें लाई जाएगी और होना भी चाहिए दोस्तों। वैसे भी कांग्रेस बीजेपी इन सभी राजनीतिक पार्टियों में एक कंपटीशन होना चाहिए। इसका फायदा हम पब्लिक को मिलता है कि आखिर कौन पार्टी जनता के लिए देश के लिए सबसे बड़ा बेहतर विकास कर सकती है, बेहतर काम कर सकती है और इन्हीं के इन कंपटीशन के चलते भारत का डेवलपमेंट और ज्यादा होता है। तो ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार जरूर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए नई प्लानिंग्स बना रही है। उसमें गैस कनेक्शन को लेकर कुछ प्लानिंग्स है, जॉब्स को लेकर है और भी कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर देता रहूंगा। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 1 रुपए में मिल रहा तेल, दाल और चीनी, इन ई कॉमर्स कंपनियों ने निकाली सेल। जी हाँ, देश के प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां 1 रुपए की कीमत पर कई तरह के सामान उपभोक्ताओं को दे रही है। फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजोन और शॉपक्लूज से सभी तरह पर एक ऑफर निकाला हुआ है। ऐसे में दोस्तों प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट एक नया ऑफर लेकर आई है। यहाँ पर आप 1 रुपए के अंदर दाल, तेल और चीनी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुकेश अंबानी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर कही है बड़ी बात, स्कूलों को दिया 4C का मंत्र। जी हाँ, ये 4C का एजुकेशन मंत्र क्या है देखिए आप खबर को। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि वक्त आ गया कि अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम को अपनाया जाए जो नियमित हो, जिसमें कोई समय की पाबंदी न हो। मुंबई में आयोजित हुए रिपब्लिक समिट 2018 में उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव मौकों को पैदा करने के लिए शिक्षा में जरूरी और मुमकिन बदलाव करने होंगे। उन्होंने स्कूलों से अपील की है कि वे बच्चों को डिजिटल सेवी बनाएं और 4C के बारे में बच्चों को एक मंत्र दिया। 4C मतलब CCCC, 1C, 2C, 3C, 4C। अब 1C का मतलब क्या जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समीक्षात्मक विचार, नेक्स्ट सी कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क और अगला सी कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग और लास्ट सी क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। ये 4C वाले मंत्र को वाकई में एजुकेशन सिस्टम में अपनाया जाना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स के कौशल और विकास में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होंगे, राइट। अगले बड़े खबर निकल कर आ रही, बिना बताए काटी बिजली तो मिलेगा हर घंटे के हिसाब से हर जाना। जी हाँ, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक दिल्ली में बिजली कटौती पर कंपनियों को 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से लोगों को हर जाना देना होगा अगर वे बिना बताए ही बिजली काट देती है तो। और ऐसे में बिजली कटौती 2 घंटे से ज्यादा रहती है तो 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हर जाना देना होगा। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, व्हाट्सएप चलाने वाले पढ़ लें, एक खबर होने जा रहा बड़ा बदलाव। जी हाँ, व्हाट्सएप कंपनी अपने एप्लीकेशन में बड़ा बदलाव करने जा रही है और उसका नाम है टच आईडी फीचर। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, इस फीचर के बाद आपका व्हाट्सएप आपकी बायोमेट्रिक के बिना नहीं खुलेगा। यदि बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता तो आपको अपना डिवाइस पासवर्ड डालना होगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि इस फीचर के लिए फेस स्कैन होगा या फिंगरप्रिंट, लेकिन कुल मिलाकर सिक्योरिटी पर्पज पर व्हाट्सएप ये फीचर डेवलप करने जा रही है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, शियोमी को मिली पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी, भारत में जल्द लॉन्च होगा एमआई पे। जी हां, चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शियोमी के लिए भारत में अपनी पेमेंट सेवा एमआई पे को लॉन्च करने के लिए रास्ता साफ हो गया और ऐसे में एनपीसीआई के द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई है। और ऐसे में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बिल्कुल पेटीएम और भीम ऐप जो है उस तरह से एमआई पे एप्लीकेशन आएगा, जिससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल वगैरह वगैरह, पानी बिल, जो कुछ भी है, कुल मिलाकर के पेटीएम वाले सारे काम कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर रही, 50,000 घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है, रजिस्ट्री का बदला नियम। जी हाँ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब प्रोजेक्ट को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले भी अब घर खरीदार को घर पर मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके लिए घर खरीदार को 5% स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी और एग्रीमेंट टू लीज के तहत घर की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, केस लेन देन में भूल गए ये 4 नियम तो देना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर केस का लेन देन करते हैं तो आपको जरूर 4 ऐसे पॉइंट है जो ध्यान में रखने चाहिए, हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। पहला, आप यहाँ देख पा रहे, न दे 2 लाख या इससे अधिक का केस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि आपको एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए या इससे अधिक का केस नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा लेते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप पर जुर्माना हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है, अचल संपत्ति के लिए 20,000 या इससे ज्यादा का केस ट्रांजेक्शन न करें। अलर्ट के मुताबिक आपको अचल संपत्ति यानी कि भूमि, प्लाट, मकान वगैरह हो गया, इनके ट्रांसफर के लिए 20,000 रुपए या इससे अधिक का केस न तो लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। ऐसा करने पर आप पर जुर्माना देना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट आता है, बिजनेस या प्रोफेशन खर्च के लिए 10,000 से ज्यादा केस का न करें भुगतान। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक केस का भुगतान नहीं करना चाहिए। ये नियम स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं, वकील है, सीए, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। और चौथा पॉइंट आता है, 2,000 से अधिक का केस डोनेट न करें। अगर आप किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक दल को डोनेशन यानी कि दान देते हैं तो 2,000 रुपए से अधिक का केस न करें। इससे भी ज्यादा अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप चेक या अन्य किसी वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वोडाफोन का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, रोजाना मिलेगा डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। जी हां, अगर आप एक वोडाफोन यूजर्स हैं तो यहां पर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर नया निकाला है और इस ऑफर का लाभ यूजर्स को 10 जनवरी 2019 तक मिलेगा। इसके कुछ प्लान्स और डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले बड़े खबर निकल कर आ रही है, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद इस राज्य में भी किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ, आप सभी को बता होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज माफी के द्वारा बड़ी राहत दी गई है। इसके बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्याज किसानों के लिए 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह महाराष्ट्र के किसानों के लिए, ओके। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में और बढ़ेगा आरक्षण कोटा, मिलेंगे लोअर बर्थ। जी हाँ, रेलवे ने आरक्षित ट्रेनों में बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों का आरक्षण कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया है। और ऐसे में अभी इस वर्ग को उपलब्ध कोटे में लोअर बर्थों पर अपेक्षाकृत कम उम्र की महिलाओं का कब्जा हो जाता है, जबकि गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ऊपरी बर्थों
बसों पर मशक्कत करनी पड़ती है। नए प्रावधान से इस विसंगति के काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है और ऐसे में ये माताओं बहनों के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, जियो के 4G का डाउनलोड स्पीड सबसे तेज रहा है और अपलोड में आइडिया सबसे आगे रही है। ट्राई की हाल ही की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा देखने मिला है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार की नई योजना, बिजली बनाने में इस्तेमाल होगा ये फ्यूल, होगी सेविंग। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घरों, अपार्टमेंट और मोबाइल टावर में चलने वाले जनरेटर अब डीजल के बजाय मेथेनॉल से चलेंगे। दरअसल नीति आयोग ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा फ्यूल सेल विकसित किया है जो डीजल जनरेटर के मुकाबले न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि प्रदूषण भी कम करेगा, और यहाँ तक कि इसका ट्रायल भी रन कर दिया गया। तो बहुत जल्द अगर ये इम्प्लीमेंट होने के बाद बिजली सस्ती देखने मिलेगी। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, यहाँ की बीजेपी सरकार 7 लाख लोगों के बैंक खातों में डालेगी 2500 रूपए। जी हाँ, इसी के रिगार्डिंग एक खबर आप यहाँ भी देख सकते हैं, अच्छी खबर, इन बैंक खातों में जमा होंगे 2500 रूपए, सरकार ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों ये खबर ये है, आप देख सकते हैं, असम सरकार ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वह चाय के बगान में काम करने वाले श्रमिकों के 7 लाख से अधिक के बैंक खातों में 2500 रूपए जमा करेगी। ये खाते 2 साल पहले नोटबंदी के ठीक बाद खोले गए थे और ये जो 2500 जमा करेंगे ना दोस्तों, उससे पहले भी 2500 रूपए जमा करवा चुकी है सरकार। 2017-18 के बजट में 5000 रूपए के प्रोत्साहन की घोषणा की थी, उसकी दूसरी किस्त है जो की असम में काम करने वाले इन श्रमिकों को मिलेगी। ओके, अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, हर किसी के खाते में आएगा पैसा, मोदी सरकार बजट में कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आने वाले अंतरिम बजट में मोदी सरकार देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, या दे सकती है यूं समझ सकते हैं, क्योंकि मीडिया खबरें चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी 2019 में जब अंतरिम बजट आएगा उस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसकी एक अनूठी घोषणा कर सकते हैं। और ये स्कीम और प्लानिंग है दोस्तों UBI यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके तहत हर परिवार के हर सदस्य के खाते में एक निश्चित रकम हर महीने सरकार द्वारा डाली जाती है। ये UBI के ऊपर मैंने एक कम्प्लीट डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस और रिसर्च के साथ में बनाया हुआ, हो सकता है आपने देखा भी होगा DLS न्यूज के ऊपर, और अगर नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप आराम से चेक कर लेना। ये UBI स्कीम क्या है, किस तरह से काम करती है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगले बड़े खबर निकल कर आ रही है, भारतीय रेलवे की यात्रियों को नए साल पर बड़ी सौगात, अब सफर के साथ कर सकेंगे शॉपिंग। जी हाँ, आज रेलवे को लेकर कुछ ज्यादा ही खबरें आ रही है ना। खैर, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए नए साल के उपलक्ष्य में नई सौगात लेकर आया है। अब लंबी दूरी के यात्री सफर के साथ शॉपिंग का भी मजा ले सकेंगे। अगर आपके पास कैश नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा के साथ आप अपना पसंदीदा सामान खरीद पाएंगे। भारतीय रेलवे ये सुविधा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2019 के पहले सप्ताह से ही शुरू करने जा रही है, और इसके तहत आप चलती ट्रेन में शॉपिंग और कमाई दोनों कर पाएंगे। और किस तरह से इसकी क्या कुछ प्लानिंग और अपडेट होगी, मंत्रालय इसके बारे में तैयारी कर चुका है। जनवरी 2019 न्यू ईयर से ये शुरू होने जा रहा है, सारे डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। अगले बड़े खबर निकल कर आ रही, तो क्या अब नोटों पर से हट जाएगी महात्मा गांधी जी की तस्वीर, जानिए पूरा सच। जी हाँ, स्क्रीन पर आप एक फोटो देख पा रहे दोस्तों, 200 रूपए का नोट का, जिसमें महात्मा गांधी की फोटो की जगह पर हमारे भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की तस्वीर लगाई गई है, राइट। लेकिन इसकी असल सच्चाई ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर इस फोटो को फोटोशॉप या अन्य किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट करके वायरल किया जा रहा है। अभी तक गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटा करके अटल जी की तस्वीर लगाई जाए, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। हालांकि पहले कुछ खबर आई थी कि 100 रूपए का नया सिक्का जो सरकार जारी कर रही है उसके ऊपर अटल जी की तस्वीर होगी, तो यही है इसका सच और पड़ताल मैंने आपको बता दी है। ओके, अगली बड़ी खबर, आज के सोने चांदी के भाव को लेकर निकल कर आ रही, एक दिन गिरने के बाद फिर से सोने में तेजी आई और आज ये रहा 10 ग्राम का भाव। जी हाँ, बात करें आज सोने के भाव की, तो सोना 150 रूपए यानी कि 150 रूपए मजबूत होकर के 32000 रूपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, और वही चांदी की बात करें तो 130 रूपए प्रति किलोग्राम तक गिर करके 37750 रूपए प्रति किलो पर आ गई है। अगली बड़ी खबर आज के पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर निकल कर आ रही, पेट्रोल प्राइस टूडे, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार दूसरे दिन तक स्थिर रहे हैं, क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट से कोई अपडेट और चेंजेस नहीं आया। ऐसे में आज के पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो बेसिकली इंडिया में पेट्रोल का भाव है 70 रूपए 43 पैसे प्रति लीटर, और बात करें डीजल के भाव की आज भारत में तो 64 रूपए 82 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में कुछ रूपए पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले बड़ी खबर एजुकेशन न्यूज के तहत निकल कर आ रही, UPSC सिविल सेवा मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, टोटल 1994 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, इसके लिए कांग्रेचुलेशन हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और अगर आपने रिजल्ट चेक नहीं किया और करना चाहते तो upsc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी एजुकेशन न्यूज में निकल कर आ रही, RRB LLP 2018 रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, LLP टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट जारी, इसे चेक करें। जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन के 60,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती पर कुछ एग्जामिनेशन के रिजल्ट जारी कर दिए, जो कि आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट जो आप यहाँ अलग अलग रीजन के लिए देख पा रहे होंगे इन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने भी रेलवे का एग्जाम दिया तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए PM मोदी लेकर आई नई सौगात, नौकरी जाने के 3 महीने बाद तक ऐसे मिलती रहेगी सैलरी। जी हाँ, ESIC का नाम आपने सुना है ना या नहीं सुना, ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम हाल ही में एक नई योजना लेकर आया है, जिसके तहत प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर भी 3 महीने तक वेतन मिलता रहेगा, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब कर्मचारी ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़ा हुआ होगा। इससे जुड़े कर्मचारी के बेरोजगार होने पर उसे मोदी सरकार नगद राहत देगी और ऐसे में नौकरी जाने के बाद भी मिलेगा वेतन। यहाँ आप देख सकते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत किसी भी निजी कंपनी, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा थिएटर से जुड़े संस्थान
संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, क्लिनिक के लिए अगर 10 या इससे ज्यादा के कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन्हें चलाने वाले व्यक्ति को अपने कर्मचारियों को अपने उन सभी कर्मचारियों को ESIC के तहत पंजीकृत करवाना जरूरी है जिनका वेतन 21,000 रुपए से कम हो। कुछ एक राज्यों में 20 या इससे अधिक कर्मचारियों के लिए भी यह नियम है, बाकी सभी जगहों पर ये अप्लाई है। तो ऐसे में जरूर आप इसका फायदा उठाइए और अगर ESIC अकाउंट आपने नहीं खुलवाया है तो भी आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर officialESIC.in का ऑफिशियल पोर्टल देख पा रहे होंगे, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं DLS स्विस टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि भारत में सबसे ज्यादा तेज सर्द यानी कि ठंड किस राज्य में पड़ती है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS स्विस टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, उस लैपटॉप, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज 21 दिसंबर के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहीं फिनिश होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना अगर आप नए आए हैं तो, ताकि आपको हर काम की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।